हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको एक चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ऐसा हूँ मैं वैसे है आप, जिसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलेंगे, वो चैप्टर को समझाने की कोशिश करूँगी। और ये चैप्टर है हमारा पेज नंबर 32 पे। तो पहले देखिए, इस पेज पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दी हुई है, कुछ कुछ चित्र बनाए हुए हैं, जो कि ये पहला है जिसको हम टमाटर कहते हैं। ये कह रहा है मैं गोल और लाल हूँ मगर आप लंबे और पीले हैं। और ये कह रहा है मैं गोल और नारंगी हूँ, मैं रसदार हूँ। मैं गोल और लाल हूँ, मैं मोती भरा हूँ। यानी कि ये कह रहा है कि मैं गोल और लाल हूँ और मैं मोती भरा हूँ। अब इन तीनों चीज़ों पे हम ये एक देख सकते हैं कि हम किसी ना किसी चीज़ की कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। जैसे कि विशेषता यानी कि ये है कि ये दिखने में कैसा है, इसका रंग कैसा है, इसके गुण या फिर इसके अवगुण, यानी कि इसमें क्या अच्छाई है और इसमें क्या बुराई है, ये सबसे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट दो चीज़ों में भी यही बताया हुआ है, हाँ मैं मीठा भी हूँ मगर आप खट्टे हैं। और इसमें ये बोल रहा है कि मैं तो रंग बिरंगी हूँ, क्या आप सब मेरे दोस्त बनेंगे। यानी कि इसमें भी देखिए, ये कह रहा है कि मैं रंग बिरंगी हूँ। ये तितली क्या कह रही है कि मैं कैसी हूँ, मैं रंग बिरंगी हूँ। अब ये जो पिंक से वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड्स को डार्क करके पिंक कलर से दिया हुआ है, ये सारे वर्ड्स ही हमें किसी ना किसी चित्र की या किसी ना किसी चीज़ की हमें क्वालिटीज़ बता रहे हैं। अब जिन शब्दों से हमें ये किसी भी चीज़ की एक क्वालिटी पता चलती है, उसको हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। और ऐसे ही जैसे हम हिंदी में जो शब्द हमें किसी चीज़ की गुण अवगुण, ये चीज़ें यानी कि उस चीज़ की अच्छाई और कुछ बुराई हमें बताता है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब ये चैप्टर पूरा विशेषण पे ही है। अब आगे देखिए, बताइए कौन कैसा है। जैसे टमाटर गोल है, आम पका हुआ है, तितली रंग बिरंगी है, ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे दी हुई है जो क्वालिटीज़ बताई हुई है या फिर ये कैसी चीज़ें हैं वो बताया गया है। इस टेबल को आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर, आम, तितली, संतरा, अनार के सामने वाले शब्द उनके बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, तितली के आगे भी एक शब्द है, संतरे के आगे शब्द है, अनार के आगे शब्द है, टमाटर, आम, इन सब इनके सामने कुछ शब्द है जो उनकी क्या बता रहे हैं, उनके सामने वाले शब्द उनकी विशेषता बता रहे हैं। अब इस वर्ड में हम ये समझेंगे कि क्या होता है विशेषण। जो शब्द नाम के या संज्ञा के बारे में, संज्ञा यानी कि नेमिंग वर्ड्स के बारे में या किसी के नाम के बारे में बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा या नाम वाले शब्द जो होते हैं यानी कि नेमिंग वर्ड्स होते हैं, इन दोनों को ही हम संज्ञा ही कहते हैं। तो इन चीज़ों की जो भी वर्ड्स हमें उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि गोल, लाल, नारंगी, खट्टा, मीठा, रसदार शब्द, ये सभी शब्द हमारे विशेषण हैं। अब यहाँ पे ये मैंने आपको ऐप में भी सॉल्व करके दिया हुआ है कि ये फूल क्या है, सुंदर है, पतंग रंग बिरंगी है, आदमी बूढ़ा है, यानी कि ये कैसी दशा बता रहे हैं इस आदमी की कि ये बूढ़ा है, जवान है, कैसा है, तो इसकी दशा बता रहे हैं। तोता हरे रंग का है, नींबू खट्टा है, पहाड़ ऊंचा है। यहाँ पे टेबल से लेके हमने ये समझने की कोशिश की है कि कौन सी चीज़ क्या होगी। जैसे फूल क्या होंगे, बहुत सुंदर होंगे क्योंकि हमें फूल ज़्यादातर सुंदर ही लगते हैं। पतंग हमेशा कलरफुल होती है, इसलिए ये रंग बिरंगी होगी। यहाँ पे हम चित्र देख के समझ सकते हैं कि ये जो आदमी है वो बूढ़े है, इसलिए आदमी बूढ़ा है। तोता ऑब्वियसली हरे रंग का ही होता है, नींबू अगर हम खा के देखें तो वो हमेशा खट्टा ही होता है, और पहाड़ हमेशा ऊँचे ही होते हैं। विशेषण किसी संज्ञा का रंग, रूप, स्वाद, आकार आदि बताते हैं। विशेषण का काम क्या होता है शब्दों का, कि वो किसी भी संज्ञा की यानी कि किसी भी नेमिंग वर्ड्स, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज़, किसी भी एनिमल्स का रंग, रूप,
रंग यानी कि कलर, उनका रूप कि वो दिखने में कैसे है, स्वाद अगर कोई खाने की चीज़ है तो उसका टेस्ट कैसा है, आकार आकार यानी कि उनकी ऊपर की मार्जिन्स कैसी है या वो दिखने में कैसे है आदि बताते हैं। जैसे कि फूल सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर शब्द विशेषण है, यानी कि यहाँ पे जो एक वाक्य है कि फूल सुंदर है, इसमें ये सुंदर शब्द क्या है, विशेषण शब्द है। फूलों की विशेषता बताई जा रही है। अब हमने किसको सुंदर बोला है इस सेंटेंस में, फूल को सुंदर बोला है। अगर हम कोई भी सेंटेंस ले रहे उसमें कुछ विशेषता बता रहे तो किसी न किसी चीज़ की तो बताएंगे। जैसे कि तोता हरे रंग का है, अब किसकी विशेषता बता रहे हैं कि तोते की विशेषता बता रहे हैं कि वो हरे रंग का है, इसीलिए फूल यहाँ पे विशेष्य है। जैसे कि इस सेंटेंस में क्या है कि फूल सुंदर है, सुंदर तो विशेषण है लेकिन ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहे हैं, इस चीज़ की यानी कि फूल की क्वालिटी ये बता रहा है फूल की, इसीलिए फूल विशेष्य हो जाएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए फूल विशेष्य है। यानी कि हम सम करके अगर पढ़े तो हम ये कहेंगे कि विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी चीज़ संज्ञा शब्द का रंग रूप स्वाद आकार आदि सब कुछ बताता है। यार इन शब्दों से हम ये समझ सकते काला हरा नीला पीला ये सारे रंग किसके हैं, या फिर गोल तिकोना ऐसे आकार किसके हैं, स्वाद में कौन मीठा है कौन खट्टा है, ये सब चीज़ें हमें विशेषण समझाता है। और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते, जैसे कि गुलाब जामुन मीठे है, अब कौन मीठा है, गुलाब जामुन मीठे है। अब जो शब्द किसी चीज़ की जिस चीज़ की विशेषता बताई जा रही है उस शब्द हो जाएगा विशेष। सो ये आपका एक्सरसाइज आपको ऐप में ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और ज़रूर उन्हें लिख लीजिएगा। सो थैंक यू।